खुश आमदीद, फिर से अपने तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखे, खैरियत से रखे और सेहत से रखे। जी तो दोस्तों, आज वीडियो होने वाली है जी बहुत ही मज़े की। खूबसूरत से ड्रेसेस आप देख रही हैं जी मेहंदी पे, किस तरह से एक ब्राइड तैयार हो सकती है। और मैंने सिंपल ड्रेसेस भी दिखाए हैं जो कि ब्राइड की जो बहनें हैं, कज़न्स हैं, वो भी इस तरह से तैयारी कर सकती हैं। तो जी प्यारे प्यारे से ड्रेसेस आने के आइडियाज़ देखने के लिए कमर कस लीजिए। शादियों का सीज़न है, करीब हैं शादियां। अब आगे जो हैं वो लगातार मेरे ख्याल में हर फैमिली में कोई ना कोई शादी तो यकीनन आ रही होगी, तो फिर मेहंदी के ड्रेसेस भी चाहिए शादियों से। तो भाई शादी में मेहंदी ही तो लड़कियों का जो है वो फेवरेट फंक्शन होता है, तो उसके लिए ड्रेसेस के डिज़ाइन हैं। अच्छा, ज़्यादा ड्रेसेस मैंने आपको यहाँ येलो मस्टर्ड उसी की थीम दिखाई है, मगर अब जो है वो आप मेहंदी पे कुछ डिफरेंट कलर्स भी कैरी कर सकती हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने येलो की टोन्स में ही रहना है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ऑरेंज के साथ कंबाइन करें येलो को, येलो के साथ शॉकिंग पिंक का टच दें। अच्छा, ये फ्रॉक देख लीजिए, पूरी मैक्सी है और क्या ही ज़बरदस्त लग रही है। और ये वाली देखिए जी, गोटे की डिज़ाइनिंग के साथ कितनी खूबसूरती से आप इस तरह से गरारे जो हैं वो बनवा सकती हैं। अच्छा, मेहंदी पे थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल ही लुक अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा नफासत वाली चीज़ों के बजाय मेहंदी पे आपने गोटे की चीज़ों का इस्तेमाल करना है मेहंदी के ड्रेसेस पर, जो कि सस्ती भी होती हैं और जो है वो खूबसूरती भी वही देती हैं। अब ये देख लीजिए, ये ऑरेंज है। तो एक तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप ऐसा ड्रेस बनवाएं जो कि आपका पर्टिकुलरली मेहंदी का ना लगे, ताकि बाद में आप उसको कैरी कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ऐसे करके थीम डिज़ाइन करें कि आप उसका दुपट्टा चेंज कर लें, बाद में सिर्फ दुपट्टा मेहंदी की लुक दे रहा हो, या सिर्फ जो है वो गरारा मेहंदी की लुक दे रहा हो, और फिर आप बाद में जो है उसके साथ ट्राउज़र वेयर करके आपका कंप्लीट सूट आपके यूज़ में आ जाए। और कलर्स की डिज़ाइनिंग यहाँ से देख लीजिए, क्या लुक अच्छी लग रही है, आपकी हाइट पर क्या सूट करेगी, किस तरह के बाल बन सकते हैं, यानी बहुत कुछ है जी वीडियो में जो कि आपने देखना है। और अभी तो जी बाकी है फ्लावर की ज्वेलरी, जो कि आपको अभी आगे वीडियो में मिलेगी, तो आप बस देखती रहिए। क्योंकि मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी बहनों के साथ ये भी थोड़ा सा शेयर कर दूं, कभी कभी बनवानी जब होती है तो समझ नहीं आता कि किस टाइप की ज्वेलरी बनवाई जाए, तो बस आप पिक ले लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट सेव करें, और फिर आप जो फ्लावर्स ज्वेलरी बनाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बनवानी है, अपने फ्रेश फ्लावर्स की बनवानी है, ये आपकी अपनी पसंद है, और आप इस तरह से ज्वेलरी बनवा सकती हैं दिखाकर। कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, फिर जैसा आपका ड्रेस है उसके साथ आपने देखना है कि कौन सी ज्वेलरी जो है, कौन से कलर की ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगेगी। उम्मीद है जी कि मैंने आपको जो है वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके सही से दिखा दी हूँ, और आपको कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर इसमें से पसंद आ गया हो। अच्छा जी, साथ साथ आपका बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे पिछली वीडियोस में इतना प्यार दिया है, इतने सारे कमेंट्स किए हैं और इतनी पसंद की हैं वीडियोस, कि आपका बहुत शुक्रिया। बस अब कंधों पे थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी बहन की, यानी अब जो है आप लोगों ने जो जो कमेंट्स में मुझसे फरमाइशें की हैं वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी पूरा करने की। और भी कुछ चाहिए तो ज़रूर बताएँ, किसी ने कहा हेयर स्टाइल्स मज़ीद दिखाएं, किसी ने कहा है जी इस एज ग्रुप के कपड़े दिखाएं, तो भाई पूरी कोशिश करूंगी सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करूं। मगर आप वीडियो खत्म हो रही है जी, अगली वीडियो तक मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और खुश रहें।